तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने लगा इस एक न्यू जापानीज ड्रामे के बारे में जिसका नाम है गाइस ब्लू मोमेंट, जो कि आपको देखने को मिलने लगा इस आपको वीकी पे। लेकिन गाइस ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ में देखने को मिलने लगा। हिंदी डब अभी गाइस इसका अवेलेबल नहीं है। जैसे गाइस हिंदी डब जैसे इसका आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये मना लगा आपको हिंदी डब के साथ में देखने को नहीं मिलने वाला। जिसको भी पसंद है इंग्लिश सबटाइटल गाइस इसके लिए बहुत मस्ट वॉच ये ड्रामा होने वाला गाइस ब्लू मोमेंट, जो कि मैंने देखा गाइस आज के दिन पे गाइस, जिसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देख मिलते हैं, जिसका आपको ड्यूरेशन 1 घंटा या 45 मिनट कोई कोई एपिसोड आपको देखने को मिल रहा है। मेरे को इसको मैं चाहता नहीं था गाइस एक भी मिनट इसको स्किप करना, क्योंकि इसमें जो स्टोरी लग रखा है गाइस इतना ज्यादा मजा आपको करा देगा ना गाइस कि आपको मतलब ये ड्रामा आप खत्म नहीं कर पाओगे। जिसमें आपको गाइस इसमें आपको सस्पेंस थ्रिलर आपको हल्का हल्का रोमांस भी देखने मिलता है। तो चलिए गाइस इसके बारे में इसमें इतना बात क्यों करो, चलिए गाइस इसके बारे में बात करते हैं कि मतलब कि इसमें आपको क्या कैरेक्टर आपको क्या स्टोरी आपको देखने मिलता है कि जिसके बारे में मैं इतना तारीफ कर रहा हूं। तो इसमें आपको आपको देखने को मिलता है कनकुरा। कनकुरा रहता है गाइस एक मेट्रोलॉजिकल रिसर्चर रहता है, जहां पे गाइस बोलते हैं कि कोई भी अगर वक्त से पहले कहीं भी अगर बाढ़ आने वाले रहता है, कहीं भी अगर बहुत ज्यादा भूस्खलन आने वाला रहता है, तो इससे पहले इन लोग बता देते हैं। इन लोग मतलब कि एक SDM नाम का एक पूरा क्रू मेंबर चलाते रहते हैं, जहां पे गाइस एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूरा अप्रूव होता है, जहां पे गाइस जो कि एक रिसर्चर का बहुत ज्यादा एक जाना माना चेहरा रहता है कनकुरा। जहां पे गाइस इसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम था अकीरा, जहां पे गाइस वो मतलब उसी मतलब की हादसे में मर जाती है, जहां पे गाइस वो कुछ सालों बाद मतलब उससे रिकवर हो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी तक अपने गर्लफ्रेंड के लिए बहुत दुखी रहता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, जहां पे वो मर जाती है, जहां पे गाइस वो अभी तक उसके सदमे से रहता है, जहां पे गाइस वो बहुत ज्यादा और प्रयास करता है कि मैं कैसे और लोगों की जान बचा सकता हूँ। जैसे वो मतलब वक्त से पहले वो मतलब बता सकते कि यहाँ से आप निकल जाओ और यहाँ से सबकी जान बचाता हूँ, जो कि हमारा कंकुर आता है। तभी गाइस इसमें आपको एक और आपको कैरेक्टर की एंट्री होती है, जहां पे आया कुमुतो, जहां से आया जो कुमुतो रहती है गाइस बहुत अपने आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट रहती हो, और मतलब उसकी जो बहन रहती है वो भी मतलब इस हादसे में शिकार हो जाती है, जहां पे उसकी जो बहन रहती है वो मर जाती है इस हादसे में, जहां पे गाइस जैसे उसकी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा एक खंभा गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जो बहन रहती है वो मर जाती है। जहां पे जो कि उसकी बहन एक ठान लेती है मतलब कि मैं भी इस रेस्क्यू में काम करूंगी मतलब मेट्रोलॉजिकल रिसर्चर में, जहां पे वो हर किसी की जान बचाना चाहती थी। जहाँ पे गाइस आपको स्टार्टिंग में आपको देखने में जहाँ पे गाइस कनकुरा रहता है गाइस जो कि हमारा आया को लेता नहीं है, जहाँ पे गाइस इन दोनों के बीच में बहुत टसन से चलते रहता है, जब बहुत मतलब कि आर्गुमेंट चलते रहता है, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों मतलब कि चलते रहते हैं इन लोगों का मतलब कि वाइब मैच होने लग जाता है, बहुत अच्छा खासा इन दोनों का बहुत कुछ मैच होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको देखने में। जहाँ पे इसमें एक दो करेक्टर आपको और अच्छा खासा देखने को मिलते गाइस, लेकिन यही आपको आगे यही आपको देखने मिलता है। जहाँ पे गाइस हमारा जो कि कनकुरा रहता है क्या वो अपने गर्लफ्रेंड से उभर पाएगा, जो कि हमारे आया रहती क्या अपने बहन से उभर पाएगी। तो इन दोनों अगर एक ही प्रॉब्लम एक ही जगह बताएंगे तो क्या मतलब इन दोनों के बीच में फीलिंग कुछ जा गया, और मतलब कि जो मेरा कनकुरा रहता है कितना एक्सपर्ट रहता है और कितना जीनियस रहता है, ये आपको आने लगे मतलब कि एपिसोड में मालूम पड़ने वाला गाइस। आप जैसे इस ड्रामे को देखोगे इस ब्लू मोमेंट, मेरे को तो गाइस ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या आपको ये ड्रामा अच्छा लग सकता है? तो चाहिए गाइस इस ड्रामे को वॉच कीजिए गाइस, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जिसको इंग्लिश सबटाइटल पसंद है तो ये ड्रामा आप जाके देख सकते हो गाइस ब्लू मोमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा ये ड्रामा रखा गया। अगर हिंदी डब के साथ में होता मैं आपको जरूर बोलता गाइस आप भी मतलब ये ड्रामा को देखा। इंग्लिश सबटाइटल आपको पसंद नहीं है तो कुछ दिन वेट कीजिएगा, मेरे को लगता है इसका हिंदी डब जल्दी आ सकता है, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को। तो ये था गाइस आज के लिए मेरा रिव्यू, होप गाइस आपको हमारे रिव्यू अच्छा लगा। चलो गाइस मैं बताना भूल गया कि मैं इसको कितना स्टार देना चाहूंगा, मतलब कि ये ड्रामा देखा मैंने तो इसको मैं 10 में से 9 स्टार देना चाहूंगा। मेरे को ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं आगे भी एपिसोड देखा तो मेरे को ज्यादा मेरे को एक ही नहीं होगा, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को ये ड्रामा डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है मेरे को जहां तक ये ड्रामा देख रहा हूँ। तो ये था आज के लिए मेरा रिव्यू, होप गाइस आपको हमारे रिव्यू अच्छा लगा। रिव्यू अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे लेटेस्ट ड्रामा का रिव्यू करते हुए।